नेशनल हेल्थ मिशन अनुबंध कर्मचारी ने आज क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के बाहर सांकेतिक हड़ताल की। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने 26 जनवरी तक नेशनल हेल्थ मिशन के अनुबंध कर्मचारियों की रेगुलर स्केल व स्थायी नीति की मांग पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। प्रदेश में 1700 कर्मचारी स्वास्थ्य समितियों के अंतर्गत वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद इन कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया और न ही रेगुलर पे स्केल का लाभ दिया गया, जिससे इन कर्मचारियों में खासा रोष है। नेशनल हेल्थ मिशन में मेरा नाम कमल कुमार गुलेरिया है और मैं प्रोग्राम मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। स्वास्थ्य विभाग में जो नेशनल हेल्थ मिशन और सोसाइटीज के अंदर जो इम्प्लॉयज रखे गए हैं, ये उनकी हड़ताल है। इस समिति में इम्प्लॉयज़ का रखना 1997 से स्टार्ट हुआ था, जब कुष्ठ रोग कार्यक्रम आया था। तो कुष्ठ रोग उस कार्यक्रम में सभी इम्प्लॉय ने जो उस टाइम रखे गए थे, कुष्ठ रोग भगाने में मदद की और आज कुष्ठ रोग से दूर हैं हम। उसके बाद फिर आया टीवी का कार्यक्रम आया, टीवी के कार्यक्रम में आज हम टीवी मुक्त होने जा रहे हैं। उसके बाद आरसीएच में रखे गए, फिर नेशनल हेल्थ मिशन आया। नेशनल हेल्थ मिशन के बाद पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, फिर नेशनल हेल्थ मिशन हो गया। तो कुल इम्प्लॉय बढ़ते गए और आज लगभग 1700 के करीब हमको कुल इम्प्लॉय है हिमाचल प्रदेश में। तो आज पिछले बहुत सालों से हम सरकार से अपने लिए कोई अच्छी पॉलिसी नहीं, जिसमें ताकि हमें अच्छा पे स्केल मिले या नियमित किया जाए हमें, इसके लिए अलग अलग जगह पे हम डिमांड उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो इसी के उपलक्ष्य में फिर हमने ये डिसाइड किया था कि हम सरकार को अल्टीमेटम दें। तो इसके लिए हमने 25 जनवरी का अल्टीमेटम दिया था कि सरकार जो है हमारे बारे में सोचे और 25 जनवरी को समारोह में घोषित करे हमारे लिए कुछ बोलना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर हमने 1 तारीख तक हमने निर्णय लिया था कि हम काले बिल्ले लगा के काम करेंगे, और आज 2 तारीख है, तो आज हमने सांकेतिक जो है एक चेतावनी सरकार को फिर से दी है कि आज हम काम नहीं करेंगे और आगे की जो रणनीति है अभी हम डिसाइड कर रहे हैं स्टेट लेवल पे क्या किया जाए। मोस्ट प्रोबेबली यही सोच रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।